वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के एक और लाल ने सरहद की रक्षा करते हुए शहादत का जाम पिया। मंडी जिला के सदर उपमंडल के बग्घी तुंगल गांव के 42 वर्षीय हवलदार सरेश कुमार लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। गुरुवार को शहीद हवलदार सुरेश कुमार का उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 17 वर्षीय बेटे पीयूष ने शहीद पिता को अंतिम सलाम कर मुखाग्नि दी। इसके पहले जैसे कि पार्थिव देह घर पहुंची तो भारत माता की जय और शहीद सुरेश कुमार अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। परिजनों सहित सैकड़ों लोगों ने शहीद सुरेश कुमार को अंतिम विदाई दी। शहीद सुरेश कुमार की धर्मपत्नी धनी देवी, माता प्रोमिला देवी, 19 वर्षीय बेटी शबनम और बेटे पीयूष ने सैल्यूट कर आखिरी विदाई दी। इससे पहले दोपहर बाद जैसे ही पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची तो एसडीडी दहक पर मौजूद स्कूली बच्चों और क्षेत्रवासियों ने भारत मात की जय के नारों के साथ शहीद हवलदार सुरेश कुमार की पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद हवलदार सुरेश कुमार बीते 25 साल से 18 डोगरा रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इन दिनों वे लेह लद्दाख में तैनात थे। बैटलफील्ड में सेवाएं देते हुए सुरेश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई और इस दुनिया को अलविदा कह गए। परिजनों के अनुसार दिवाली से 2 दिन पहले ही हवलदार सुरेश कुमार अपनी छुट्टी काटकर लेह लद्दाख के लिए गया था। उधर एडीसी मंडी रोहित राठौर ने बताया कि सेना की ओर से प्रशासन को जवान के वीरगति की सूचना का समाचार प्राप्त हुआ है। सेना की तरफ से मिले पत्र में बैटलफील्ड कैजुअल्टी बताया गया है। हवलदार सुरेश कुमार की शहादत पर राज्यपाल हिप्र शिव प्रताप शुक्ला, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, उनका बलिदान देश के प्रति सर्वोच्च समर्पण और साहस का प्रतीक है, जिसे सदैव सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण किया जाएगा। हाल ही में मंडी के बलह इलाके के नायब सूबेदार राकेश कुमार भी कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। वह 44 साल के थे। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार